नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के तुर्ती ग्राम में मैं उपस्थित हूं और तुर्ती ग्राम में आज गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर एक यहां पर दुगोला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि हर जगह पर गोवर्धन पूजा को लेकर के आज कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम को इन लोगों ने चुना है। जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम के आवाज से एक मिट्टी की खुशबू आती है, क्योंकि दुगोला प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और इससे समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाता है। और इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर अभी उपस्थित इस कमेटी के सदस्य हैं, जो कि इस गाँव में एक कमेटी चलती है, उसी कमेटी के माध्यम से यहाँ पर दुगोला करा रहे हैं, ताकि इस दुगोला के कार्यक्रम में सदस्यों को आप देख रहे हैं और इन लोगों से मैं कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। और हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के व्यास विनोद महाराज जी भी उपस्थित हैं, जो कि अभी आप देख रहे थे कि मंच से मधुर मधुर बाड़ी, ये जितने इधर देख रहे हैं आप जनता, थोड़ा इधर कैमरा घुमाए दे, इन लोगों को बीच में एक मधुर वाणी एक ज्ञान के सागर को बरसाया है और उस ज्ञान के सागर को सुन करके सारे लोग यहाँ पर अस्थिर बैठे हैं, जरा से भी इन लोग शोर और गुरुम नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पर मैं कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, ताकि इस कमेटी के जो सदस्य हैं, कुछ अध्यक्ष भी इसमें होंगे, इन लोगों से मैं विशेष जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आइए, और इस कमेटी में एक से बढ़कर एक लोग जुड़े हुए, कुछ देश के सेवा करने वाले भी इस कमेटी के सदस्य में लोग आए हुए हैं और कुछ बैंकिंग अर्थव्यवस्था से भी हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानने का प्रयास करूंगा। मैं मंटू सिंह, बैंक प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक प्रबंधक। कहाँ पर है? बनारस। चलिए, आज एक सच्चे दरबार में आए हुए हैं, क्योंकि गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर और यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है दुगोला, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ हर साल के भांति इन साल भी दुगोला हो रहा है गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और भरपूर नौजवानों को आप सहयोग करते हैं? हाँ, भरपूर नौजवानों को हम सहयोग करते हैं, हर साल के भांति इन साल भी हो रहा है। चलिए, कृष्ण भगवान आपके हर मनोकामना को पूर्ण करते रहें और आपको और आगे की तरफ बढ़ाते रहें। और भी कुछ लोग हैं, मैं इन लोगों से बातें करूंगा। सर अपना बारे में। मैं रविंदर सिंह जी, इस समिति का अध्यक्ष। ये कार्यक्रम कब से चल रहा है यहाँ पर? यह सर कार्यक्रम सदियों से चल रहा है, हम लोग बचे बच्चे थे तभी हम लोग देखते थे कि मेरे दादा चाचा काका सब लोग करते आ रहे हैं, अभी से कार्यक्रम को हम लोग संभाल रहे हैं। यहाँ पर जो अभी आपने दुगोला के कार्यक्रम को रखा है, इसके लिए मतलब दुगोला को ही क्यों आप लोगों ने चुना? सर देखिए, दुगोला को हम लोग इसलिए चुना कि जो दुगोला कार्यक्रम होगा, ये ब्यास जो भी दो ब्यास आए हुए हैं, ये भागवत गीता और रामायण से परिपूर्ण हैं और ये लोग जो भी वाणी को बोलेंगे हमारे समाज में नया प्रकाश फैले, एक अच्छा मैसेज जाएगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी कुछ लोगों से मैं बातें करने का प्रयास करूंगा। अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम रुपेश रंजन कुमार हुआ, उर्फ संतू से। मैं बैंक मैनेजर मंटू से का भाई हूँ। अभी तो हम चिमनी भट्टा चला रहे हैं, ठीक है। हम पटना में 10 साल पढ़ाई किए थे, जॉब नहीं लगा, उसके बावजूद आकर अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं। हमारे जो गोवर्धन पूजा होता है, ये हमारे कृष्ण भगवान का है, हम लोग जादू जाती से आते हैं, इसलिए इनको पूजते हैं। हम अपने गौ माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं, हमारा विश्वास जहाँ तक है कि गौ माता को बहुत ज़्यादा मानना चाहिए, इसलिए कि गौ सेवा करने में हमको ज़्यादा मन लगता है। अगर कोई उसको कटुआ लो के बेचने को कहता है तो हमको बहुत गुस्सा आता है, इसलिए कि हमारे गौ माता में हर भगवान का वास होता है, ठीक ना। हमारे जो कृष्ण भगवान है, वो गोवर्धन भगवान को अपने
जन को रक्षा करने के लिए सहयोग से उठा लिए थे, इसलिए हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। गौ माता में पूरे भगवानों को वास होता है और एक से बढ़कर एक धुरंधर यहाँ पर जुटे हुए हैं, ताकि ये अभी बता रहे थे हमसे कि नौकरी नहीं लगा, लेकिन हर किसी का मकान बन जाए इसलिए चिमनी भाटा चला रहे हैं। बात सही है ना? और हमारे साथ एक बहुत करते देश के रक्षक जो के सीमा पर जगते हैं, तो हम लोग यहाँ पर चैन से सोते हैं, हम लोग रात में यहाँ पर आराम से सोते हैं, परंतु इन लोग चारों तरफ नजरे लगाए रखते हैं, कहीं से कुछ खर तक नहीं। लेकिन क्योंकि मेरे भारत की सरहद पर रक्षा करने वाले एक सीआरपीएफ के जवान हमारे साथ उपस्थित हैं। और सबसे पहले जय हिंद सर, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सर मेरा हेड कांस्टेबल जय प्रकाश सिंह, सीआरपीएफ में, थैंक यू, मोकामा में पोस्टिंग हूँ, जीसी मोकामा घाट। जी, और ये गांव का समाज जो सर, हम लोग भर्ती से पहले भी इस समाज में हम भी लेकर चले हैं, अभी आज तक लेकर चल रहे हैं, जो कि हमको खुशी होता है, बहुत खुशी होता है, ताकि समाज में और सहयोग भी करता हूँ, कहते ना। इसमें पूजा एक ऐसा चीज़ है कि सबको प्रेम भाव के उत्साह करता है, इसमें हम लोग इसलिए इस पर उत्सुक रहते हैं और खुश रहते हैं और अपना ड्यूटी भी करते हैं और छुट्टी लेकर आ जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया। ऐसे ऐसे अगर फौजियों को हम लोग देखते हैं, आज इन्हीं लोग के बदौलत इस भारत के अंदर में रहने वाले सभी लोग हर पर्व को मनाते हैं, आज गोवर्धन पूजा भी यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं बॉर्डर पर तैनात राइफल लेके हमारे ऐसे ऐसे जवान होते हैं जो कि देश के लिए जगते हैं, देश के लिए अपने नींद को हराम करते हैं। हम लोग यहाँ ठंडे में अगर रजाई ओढ़ के सोते हैं, तो ये लोग बर्फ के सिलियों पर अपना तैनात होकर के ड्यूटी को देते हैं। ऐसे ऐसे फौजियों के लिए एक बार सब लोग को मिलकर के बोलना चाहिए, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। थैंक यू। और हमारे साथ अभी विनोद व्यास जी महाराज, दो शब्द आज इस सामने में जो जनता बैठी हुई है शांत, इसके लिए कुछ बताइए। आज हमारे बीच जो सभी जनता शांत बैठी हुई है, यह संस्कार का परिचय है। हमारे जनता जो हैं, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से कंधे में कंधे मिला करके चलते हैं, कोई किसी से द्वेष का भावना नहीं रखता है और हमेशा एक दूसरे से कदम में कदम मिला करके चलते हैं। और धर्म के कार्य में यही नहीं, हमारे आश्रम तक भी यहाँ के लोग इतना ही तत्पर रह करके सहयोग किया करते हैं, और इसीलिए उसी का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है, संत का प्रभाव है। आज हमारे बीच जो दर्शक बैठे हुए हैं, सब लोग श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक बैठ करके यहाँ मानस मंडली के दुगोला प्रोग्राम को शांति पूर्वक देखना चाहते हैं। किस अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है? जी, गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर कार्यक्रम जो है दुगोला प्रोग्राम है, जो हाँ, एक बक्सर का टीम है और एक भोजपुर जिला का टीम है, और दोनों व्यास जो है अपने आप में ज्ञानी हैं, दोनों पूर्ण रूप से मानस के ज्ञाता हैं, मानस के जानकार रखने वाले हैं, इसलिए इन लोगों ने चयनित किया कि नहीं, हम लोग दो अच्छे ज्ञान वाले व्यास को बुलाएंगे, ताकि हम लोग को प्रोग्राम के माध्यम से कुछ दिशा निर्देश मिले। यानी ज्ञान के सागर में ज्ञान के ही मतलब व्यासों को बुलाया जाता है। जी जी। और खास करके आप खुद व्यास हैं। ये तो आप तो ये व्यास तो मेरा गांव मुझे बनाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन व्यासों के बीच में चलूंगा जो कि यहां से कार्यक्रम संपन्न करेंगे, शुरू करेंगे, और इन लोग
देते हैं और धीरे धीरे माला डाल करके उनके गर्दन में और स्वागत भी करेंगे। तो ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं मंच से, तालियों के साथ इधर से भी जनता ताली बजाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बहुत काफी ताले। और ये देखिए वो भाई साहब आके मेरे मुंह पर ताली बजा रहे हैं, जैसा लग रहा है कि मैं कम सुनता हूं। और यहां से ले लें, अब धीरे धीरे यहां पर इस गांव के वरिष्ठ व्यक्ति उनके साथ बाबा उपस्थित, रिबन को काटा गया, मंच के उद्घाटन किया गया, दो शब्द बोलेंगे वो लोग इस मंच से, उसके बाद इस कार्यक्रम को पुनः शुरू कर दिया जाएगा।